हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में हो गए, अपने परिवार का ख्याल भी रखते हो गए। आ गया पता, नमस्ते नमस्ते करने के लिए आ गया, वहाँ खड़ा हो गया, मेरे को ऐसे कर रहा है, हमें आके नमस्ते करो। तो चलिए, कल के तीन वीडियोज आए हैं, तीन वीडियो से कमेंट्स लेके मैं हाजिर हूँ। तो शुरू करती हूँ कमेंटों का सिलसिला, और उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे ऐसे प्यार मोहब्बत देते रहोगे, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहोगे। और अविनाश भाई, फ़ोन पुराना हो गया है पर मैं अभी फ़ोन नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि YT स्टूडियो से जो मेरे को जो पैसे मिलते हैं, जो ये YouTube से मुझे तीन महीने चार महीने में पेमेंट आता है, तो हर महीने पेमेंट नहीं आता, और तीन चार महीने में जो पेमेंट आता भी है ना, तो इतना नहीं आता कि मैं एक फ़ोन ले सकूँ, इसीलिए फ़ोन लेने वाला पैसा भी मेरे पास नहीं है। और दूसरी बात है, अभी बहुत सारे चीज़ मुझे अपने बच्चों के लिए भी करनी है, तो इसलिए अभी तो मैं अपने पुराने फ़ोन से ही काम चलाऊंगी। हाँ, कभी कभी वॉल्यूम का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो आप मेरे को बताते रहना कौन से दिन वॉल्यूम कम है, तो मैं अपने वॉइस को वैसे रखूंगी। बस एक माइक ले लूँगी, मैं कोशिश में हूँ एक माइक जाके दुकान से ले लूँगी, जाना ही नहीं हो रहा है, इनके स्कूल के चक्कर में मेरा जाना ही नहीं हो रहा है। तो बस शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैत्री जी के मैसेज में चालू करूँगी। उन्होंने लिखा है, मैडम आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? गुनगुन के साथ हुआ तो बहुत मज़ा आ रहा है, राधिका के साथ होता तो आपका बहुत दुख होता। मालूम नहीं राधिका को क्यों इतना सपोर्ट करते हो, और उनकी माँ इतना शैतान होने के बाद भी। ये मेरी बेटी या किसी की बेटी के लिए नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर आपने ये क्वेश्चन किया है कि मैं गुनगुन को सपोर्ट नहीं करती और राधिका को करती हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ आज कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती। सपोर्ट अगर करती हूँ तो उनके एक्शन, उनके बिहेवियर के थ्रू मैं सपोर्ट करती हूँ। अगर गुनगुन की एक्शन बिहेवियर अच्छा रहता है तो मैं उसको हमेशा सपोर्ट करती हूँ, पर गुनगुन अगर जहाँ डगमगाती है मैं वहाँ उसको बातें बहुत सुनाती हूँ, सपोर्ट नहीं करती। राधिका भी कभी कभी आप देखे होंगे कोई भी मेरे वीडियो को उठा के, मैं राधिका को भी बात सुनाई हूँ, राधिका की मम्मी को भी सुनाई हूँ, पर यहाँ अभी जो राधिका का स्टेट है समर की वजह से, समर की मम्मी की वजह से, गुनगुन यहाँ पे अपने घर को तोड़ के समर के पीछे पड़ी रहती है। गुनगुन को जब शादी करवाया गया, समर ने कहा तुम शादी कर लो, तो उसको क्या था, उसको शादी नहीं करनी थी। ध्रुव की भी लाइफ बर्बाद की उसने, क्या ज़रूरत है, समर समर करते हुए बैठी रहती। और यहाँ पे अगर राधिका को समर की मम्मी फोर्स नहीं करती, राधिका के मन में भी लालच था समर से शादी करने का, मैं इसको पसंद करती हूँ, ये मेरे को बहुत पसंद है ये लड़का, मैं इससे शादी कर लूँ, बस इसी लालच से उसने शादी कर लिया। यही चीज़ इनके बीच में हो रहा है। और रहा सवाल मेरी बेटी का, मेरी बेटी अगर ऐसा करती गुनगुन की तरह, तो गुनगुन के पापा जो गुनगुन के फ्लैट खरीद के दिए ना, मैं तो अपनी बेटी को बेदखल ही कर देती। एक शादी करवाई हो, एक शादी में टिकी रहो, एक शादी में नहीं टिक सकती तो छोड़ो हस्बैंड को, अपने पैरों में पहले खड़ी हो, पहले कुछ बनो, पहले कुछ लायक हो, उसके बाद फिर शादी का सोचना, पहली बात, तभी मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगी। दूसरी बात है, बेटी अगर शादी करती है, शादी के बाद अगर किसी और से उसका वो टाका फिट होता है, बाई चांस बोला नहीं जा सकता, तब तो मैं बोलूँगी भाई जयराम जी की, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मेरे से कोई रिश्ता मत रखो, क्योंकि मैंने तुमको ये सब चीज़ नहीं सिखाया करना, मैं खुद ऐसी नहीं हूँ, मैं नहीं चाहूँगी मेरी बेटी वैसी हो। अब आगे तो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा मैत्री जी, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, अगर गुनगुन की तरह आपकी बेटी अगर करती तब आप क्या करते, आप उसको सपोर्ट करते? क्योंकि मैं ऐसी लड़की को सपोर्ट कभी नहीं करूँगी, ये लड़की समझती सब है, बड़ी है, ऐसी नहीं है बच्ची है, तो इसको तो समझना चाहिए कि मेरे साथ क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जब समर ने इसको एक बार धोखा दिया, बेबी आने के बाद भी इसको बोला कि मेरा बेबी नहीं है, तुम ध्रुव के संग रहो, अपने पति के संग रहो, तभी भी इसने सबक नहीं सीखा, उसी इंसान को इसने जेल भिजवाया जो इंसान इसको इतना सपोर्ट किया, बाद में समर के बाद में क्या बोलती है, तुमने मेरे बच्चे को मरवाया है। अरे भाई, वो तो तुमको हॉस्पिटल तक ले गया जब तुम बाथरूम में गिरी थी। इनका तो सब ये फेक वीडियो है, हमको सबको पता है ये फेक वीडियो चल रहा है, पर फेक के हिसाब से हम जो सीरियल कलर्स टीवी, जी टीवी, स्टार प्लस में जो देखते हैं, वो भी तो सब फेक ही दिखाता है, पर वो रियलिटी इतना दिखाते हैं कि हम वो रियलिटी के संग बच जाते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमारे साथ अगर होता तो क्या होता। तो ये समर को भी दिखानी चाहिए रियलिटी, मतलब फेक में भी रियलिटी दिखाओ, तब तो ऑडियंस को अच्छा लगेगा। अब बेहोशी के आलम में गुनगुन ऐसे चलते जा रही है, तो इसमें आप क्या बोलोगे, ये कोई बेहोशी में कोई चल सकता है? आप चल सकते हो, मैं चल सकती हूँ, कोई भी बेहोश नहीं, हाँ गोद में उठा के इंसान ले जाता है, तो ध्रुव को गोद में उठा के ले जाना चाहिए था, ये सब अटपटा लगता है। और रहा सवाल गुनगुन के बिहेवियर, गुनगुन का बिहेवियर
ऐसा है जैसे एक लड़की का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। एक अच्छी लड़की का काम होता है एक शादी करना, शादी का टूट रहा है तो सब ठीक। पर यहाँ पे समर की मम्मी यहाँ मेन कल्प्रिट है। पहले बेटी नहीं बनाई, बहू जब थी तब तो उसको जो तो अनाप शनाप बोलती थी, अभी बेटी बना के रखी हो। बेटी बना के क्यों रखी हो? क्योंकि तुम्हारी बहू नहीं है। अब वो अगर गुनगुन फिर से अगर बहू बनती है तब आप समर की मम्मी को देखिएगा, वो क्या बेटी बना के रखेगी? समर की मम्मी बहुत शातिर और सबसे मेन बदमाश समर की मम्मी है। बस इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच मैत्री जी, आप मुझसे ऐसे सवाल करते रहिएगा पर मुझसे कमेंट जरूर मुझे कीजिएगा। थैंक यू सो मच। रीमा जी ने हार्ट दिया, थैंक यू सो मच। फिर यूजर डू वन के ई सिक्स जेड डब्ल्यू फोर यू ने लिखा, बिल्कुल सही बोला है आपने दीदी, समर की माँ दोनों बेशरम है एकदम। थैंक यू सो मच। शांतिलाल चौहान जी ने लिखा है, आप में जो चलता है यूपी में जो चलता है वही बताने की कोशिश जारी है। अच्छा, थैंक यू सो मच। जय सिंथिया जी लिखा, एकदम सही बोला आपने मैडम, कॉल कल के दिन गुनगुन के पापा आएंगे पूछने के लिए, सब लाइन से आएंगे, सब अब लाइन से आएंगे, सिर्फ गुनगुन की मम्मी नहीं आएगी। मुस्कान जी लिखा है, राइट मैम, थैंक यू सो मच। आपने रेणु गुरंग जी लिखा है, राइट, बिल्कुल सही बोला सिस्टर आपने, अपने हाथ भी दिया, थैंक यू सो मच रेणु जी। शशि जी लिखा, सही बात है बहन जी, सर की समर की अम्मा बहुत बदमाश औरत है, ये गाँव की छठी माई। थैंक यू सो मच शशि जी। फिर एम लैमगोन्टे जी ने लिखा है, सिस्टर बहन तो भाई समर के शादी करने में तुली है, दूसरा भाई अंकित किससे बहन से शादी रचाएगा, बुराई को बोलते हुए भी कोई ख़त्म नाम नहीं, फेस में कोई शिकन इनके नहीं रहती है। ठीक कहा आपने, थैंक यू सो मच। अविनाश जी लिखा है, समर की माँ पागल है, कभी बेटी बोलती है कभी बहू, वही जाने उनके लिए गुनगुन क्या है, उनको ये मुबारक। थैंक यू सो मच आप सभी को, आप लोगों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज किए हैं। शशि जी का और एक मैसेज है, अरे बहन जी ये समर की अम्मा इतनी कुटिया है, इसको बिटिया बोलती है कि हमारी बेटी है, अपने लड़के के जो है वह गंदा काम करवा ही है, ये सब उनको नहीं दिखता है। कंचन जी का मैसेज है, उन्होंने लिखा है, समर की मॉम दोनों पागल हैं, पाला अपने बता बेटे को तो ढक ले, उसका बेटा बदमाश है और आप बता के बेटे के ऊपर कैसे पानी फेर रही है कि बेटा सही है, और कोई मॉम होती तो उसको घर से बाहर निकाल देती और बोलती कि तूने हमारे हमारे नाक कटवा दिया है। आई लव यू बाबू, कैसे हो, मॉम को परेशान नहीं करना, बाय बाय। थैंक यू सो मच कंचन जी। उसके बाद देख लेती किसी का मैसेज अगर होगा। हाँ, अविनाश जी का एक मैसेज है, बेशरम गुनगुन का भाई आ गया। उसका तो आना ही है। बस मेरे पास इतने ही मैसेजेस थे, अब मैं देख लेती हूँ मेरे दूसरे वीडियो में क्या मैसेजेस हैं। दूसरे वीडियोस में मेरे मैसेजेस हैं, सबसे पहले यूज़र एन आर सिक्स एन क्यू थ्री वाई क्यू थ्री पी ने लिखा है, गुनगुन ध्रुव की पत्नी है, उनको जो चाहे करे, समर और उसकी माँ को क्या परेशानी, कौन से हक से पूछताछ कर रहे हैं, वही तो, कौन से हक से पूछताछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कंचन जी ने राइट लिखे, अपने हार्ट भी दिया है। मुस्कान जी ने कम स्माइली दिया है। रीमा जी ने भी हार्ट दिया है, बोला यू आर राइट। फिर गीता जी और रेणु जी आप सब ने राइट और हार्ट दिया, थैंक यू सो मच आप सभी को। जे सिंथिया जी ने लिखा, ध्रुव किसके साथ बात करने के लिए आया है, मेंटल औरत के साथ बात करने के लिए आया है, सही मेंटल तो है ही समर की माँ। थैंक यू सो मच। शशि जी ने लिखा है, वाह क्या बात, बहुत बढ़िया करती है, आज आपका बेटा कहाँ गया? मेरा बेटा आजकल आपको नहीं दिखेगा शशि जी, वो बहुत स्टबन है, वो आजकल पीछे से बाय बाय करता है, क्योंकि सामने उसको शक्ल नहीं दिखानी है, जब उसका मूड होगा तभी वो आएगा, नहीं तो नहीं। जैसे अभी मूड हुआ, अभी आया नमस्ते नमस्ते करने। बच्चे हैं इनके, इतने सारे मूड्स होते हैं ना कि परेशान हो जाती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अजीज भाई जाने लिखा है, ध्रुव को स्ट्रांग बनाना ज़रूरी है वरना माँ बेटा गुनगुन परेशान करेंगे एकदम। थैंक यू सो मच। ताराबेन जी ने लिखा है, ये गलत है इसलिए ये बात नहीं करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अविनाश जी ने लिखा है, बेशर्म समर इसलिए चुप रहा है एकदम, थैंक यू सो मच। नमन जी ने लिखा, आंटी जी धक्का क्यों मारे कि ये तो रखना जाती है नहीं गुनगुन को, एकदम, थैंक यू सो मच। फिर अविनाश जी ने लिखा, तुम दोनों इतने बेशर्म हो पता चल गया, सही में पता चल गया। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो तो मैं जल्दी से पढ़ लूँ। बस देख लूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो, नहीं किसी का नहीं है। अब मैं जा रही हूँ अपने तीसरे वीडियो की ओर, तीसरे वीडियो में जिसमें राधिका और राधिका की मम्मी के पास समर की माँ मिलने के लिए आई है। सोमा जी का मैसेज है, राधिका की मम्मी ने यह गलत किया, फैशन के उल्टा पड़ ऐसा नहीं,
हाँ इनके ऊपर उल्टा ना पड़ जाए, मैं भी यही सोचती हूँ। थैंक यू सो मच सोमा जी। शशि इंडिका बिल्कुल सही कह रही है बहन जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद कंचन जी ने लिखा नाइस बोला हैप्पी, आपने हार्ट भी दिया, थैंक यू सो मच। राधिका जी ने लिखा समर की मम्मी फसल की फसाद की जय है, फिर से आ गई एंट्री में एकदम, थैंक यू सो मच राधिका जी। जय सिंथिया जी लिखा आपने एकदम सही बोला मैडम, इन लोग एकदम बेशरम लोग हैं, थैंक यू सो मच। जावेद जी लिखा है माटी के शर्म माँ को शर्म नहीं है एकदम, थैंक यू सो मच। नमन जी लिखा ऐसी सास किसी को ना मिले ऐसी सास होती है मेरी सास ऐसी रही है बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच। मैत्री जी लिखा है उनका ड्यूटी उसने किया क्योंकि गुनगुन समर के साथ थी, समर के ऊपर इल्ज़ाम आता इसलिए उनको उन्होंने उचित काम किया। अच्छा थैंक यू सो मच मैत्री जी। रेणु जी लिखा राइट आपने बिल्कुल सही बोला है सिस्टर, ये समर की मम्मी बेशरम है एकदम। रीमा जी लिखा है समर की मम्मी को गुनगुन की बहुत चिंता हो रही है, थैंक यू सो मच। अविनाश जी ने लिखा है समर की माँ के लिए गुनगुन बहू है, समर की माँ को कुछ दिमाग नहीं है क्या बोलती है, एकदम बकवास ड्रामा। सही कहा एकदम बकवास ड्रामा हो गया है। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो भाई तो मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ। नहीं किसी का मैसेजेस नहीं है। अब मैं अपने कमेंट की वीडियो में वो झांक लूँ कल के कमेंट की वीडियो में क्या मैसेज आया था एक बार देख लेती हूँ कमेंट के वीडियो में। कमेंट का वीडियो है कहाँ, मेरे कमेंट का वीडियो तो खुलता ही नहीं है भाई ये देखो 11 मिनट हो गए और कमेंट के वीडियो लोडिंग में चल रहा है। मैं देख लेती हूँ किसी का कमेंट इसमें होगा तो मैं जल्दी से कौन सा बोल दूंगी इसमें। सॉरी 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 मेरे कमेंट के वीडियो को पता नहीं क्या हुआ है, मेरा कमेंट का वीडियो खुल ही नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई मेरे कमेंट के वीडियो को, कोई तो बहुत प्रॉब्लम हुआ है। हाँ अब जाके मेरे कमेंट के वीडियो के कमेंट्स खुला है। तो अविनाश जी ने लिखा है नया मोबाइल ले लीजिए YT के पैसे में, ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया। गीता जी ने हार्ट दिया है, अविनाश जी ने लाइक दिया है, आप ग्रेट है मैडम। जय सिंथिया जी ने लिखा है थैंक यू सो मच। नमन जी ने हाय हार्ट दिया है, ताशी जी ने और रीमा जी ने हार्ट दिया, थैंक यू सो मच आप सभी को, आप लोगों ने मुझे हार्ट दिया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेजेस नहीं है भाई, मैं अब चली अपने मैसेज का पिटारा ख़त्म करके और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। आ गया चलिए तब तक के लिए बाय बाय, प्यार सपोर्ट अपना करिएगा। और इधर बहुत बदमाशी करता है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। अभी आप लोगों को इसका हेल्थ कैसा लगा, शशि जी इसके हेल्थ के बारे में था बताइएगा। अभी भी चावल नहीं खा रहा, कोशिश में लगी हुई हूँ, अगर कुछ अगर खा पी ले, दूध में ही खा, हर टाइम दूध ही पीता है, दूधी में जीता है ये। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।